हाँ मछली वाला जो आती है अभी तक मेला में कभी आईबे नहीं किया था। ये केरला से ये लोग आया है दुबई से और आइटम देख ही रहे हैं, लग रहा है ऐसे अभी तैयार हो रहा है। पूरे पूरे देशों से देश की यहाँ पे मच्छियाँ फिश जो है हमारे पास में लाई गई हैं, और जब पब्लिक इसके अंडर फिश टनल के अंदर से जब चलती है ना, तो उसके ऊपर से नीचे से शार्क फिश जितने भी अलग अलग प्रकार की फिश है उनके ऊपर से नीचे से घूमती है। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा शो है, और इस बार सोनपुर की जनता और बिहार की जनता के लिए स्पेशल रखा गया है, और उन लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि कुछ कहने की हद नहीं। इस बार सोनपुर मेला में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, अंडर वाटर फिश टनल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरीके से तैयारी चल रहा है। इस बार सोनपुर मेला में 110% आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे अंडर वाटर फिश टनल को किस तरीके से लगाया जा रहा है। सोनपुर मेला में पहली बार आपको देखने को मिलेगा आज तक, ये आप इतना बार सोनपुर मेला घूमने के लिए आए होंगे लेकिन ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन इस बार के मेला में आपको अंडर वाटर फिश टनल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो लगाने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार। तो क्या इसमें रहने वाला है? मछली एक्वेरियम रहेगा। एक्वेरियम? अच्छा, किस प्रकार का मछली रहेगा? ये समुद्री मछली रहेगा। समुद्री मछली? हाँ। अच्छा, एक अंडर वाटर फिश टनल जो अंदर, मतलब अंदर में आदमी रहेगा और चारों तरफ जो समुद्र का नज़ारा वो उसमें दिखेगा, समुद्र का नज़ारा उसमें, समुद्र का नज़ारा दिखेगा। और ये सब में क्या दिखेगा? ये सब एक्वेरियम रहेगा। एक्वेरियम रहेगा? तो सेम चीज़, मतलब वही मछली एक्वेरियम में देखने को हर जगह मिलता है, वही मछली रहेगा? नहीं, सेम मछली नहीं, सेम मछली नहीं है। हाँ, पूरा नहीं, आधा देसी है आधा फॉरेन से है। ज़्यादा फॉरेन का मछली है। ज़्यादा फॉरेन का मछली? अच्छा, फॉरेन का मछली है। अमेज़न का बड़ा फिश है। अच्छा, कोई मछली का नाम बता सकते हैं? अरापैमा है, एलिगेटर है, रेडटेल कैटफिश है, बहुत ऐसा वेराइटी फिश है। पूरा जॉइंट जॉइंट फिश है, बड़ा बड़ा फिश है, बड़ा भी 4 फीट तक, ज़्यादा बड़ा वाला 4 फीट है, 4 फीट तक, छोटा तक है। हाँ, छोटा से बड़ा वाला तक। अच्छा, कब तक ये तैयारी हो जाएगा? ये तो अभी तो ये एक 5-6 दिन में पूरा सेट हो जाएगा। 5-6 दिन में सेट? ओपनिंग कब है पता नहीं, मेरे मेला का टाइम मेरे को पता नहीं। ये तो इसका काम एक 6-7 दिन में पूरा हो, फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितना भी कोरियम देख रहे सब में मछली रहेगा? सब में मछली रहेगा। इसमें एक मछली रहेगा कि एक से ज़्यादा रहेगा? एक से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, एक वेराइटी उसमें बहुत मछली आएगा। मतलब में ऐसा मछली की कभी लोग देखा ही नहीं होगा? देखा ही नहीं होगा, इधर का नहीं देखा ऐसा मछली देखने को। नहीं नहीं। अच्छा, आप इधर देख सकते हैं कि आपको चारों तरफ कोरियम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मछली रहेगा, और ऐसा मछली देखने को मिलेगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। ये मछली, इसमें जो मछली रहेगा ना वो समुद्र में रहता है, कई प्रजाति होता है मछली का, तो ऐसा प्रजाति यहाँ पे लाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि आप पहली बार सोनपुर मेला में इस कोरियम के अंदर देख पाएंगे मछली का प्रजाति। मछली का कई तरह का प्रजाति होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? और यहाँ पे आपको मछली है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो देखने आएगा मेला? हाँ, आएंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश, कैसा लग रहा है मछली? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मछली ये सब देखा था? नहीं देखे थे इससे पहले ये सब मछली। इससे पहले नहीं देखा था? नहीं देखे थे। तो इस बार सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को मिलेगा। अच्छा, तो छुट्टी स्कूल से भाग के आया है क्या? नहीं, लंच हुआ है, एक घंटा का लंच होता है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? अंशु कुमार। स्कूल से भाग के आया है क्या? लंच हुआ है। लंच हुआ है। चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सब मछली आपको कोरिया में देखने को मिलेगा। आइए आइए, चलिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मछली आपको देखने को मिलेगा कोरियम में। वहाँ पर चौड़ा मछली है, देखिए इधर मछली सब। इधर आ, इधर आप देख सकते हैं यही सब मछली आपको देखने को मिलेगा कोरियम में।
तो यही सब मछली आपको एक्वेरियम के अंदर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब मछली देखने को मिलेगा आपको। ठीक से, ठीक से देख सकते हैं। यही चीज़ है मछली, यही सब मछली आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप इसके अंदर आइएगा तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप समुद्र के अंदर है और चारों तरफ मछली आपको दिखाई देगा। ये जब आप इसके अंदर आइएगा, अभी तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप जब इसके अंदर आइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ मछली है, हम समुद्र के अंदर। जैसे आप समुद्र में गोता लगाते हैं उस तरीके से अगर नज़ारा आता है, तो सेम हूबहू फीलिंग आपको इसमें आप आने के बाद मिलेगा। देखिए कुछ बच्चे हैं इसके अंदर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सिद्धार्थ कुमार। कैसा लग रहा है इसमें आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना कि समुद्र के अंदर हो? हाँ। क्या तुमको लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग समुद्र के अंदर आए हुए हैं। समुद्र के अंदर है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि समुद्र के अंदर आ गए। लग रहा है कि समुद्र के अंदर? हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र के अंदर। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो अंडर फिश टनल है ये टोटल एसी शो है और ये पहली बार सोनपुर के मेले के उपलक्ष पे यहाँ लाया गया है। अच्छा, इतना दिन सोनपुर मेला लगा है लेकिन पहली बार लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, ये पूरा जो है दुबई का कॉपी किया हुआ है। अच्छा, दुबई, दुबई के अंदर में जो पहले लगा हुआ था उसका ही कॉपी करके ये हम लोग फिश टनल वगैरह बनाया हुआ है। एसी फिश टनल है। अच्छा। और ये पूरे विश्व से, पूरे देशों से, देश की यहाँ पे मच्छियाँ फिश जो है हमारे पास में लाई गई हैं। और जब पब्लिक इसके अंडर फिश टनल के अंदर से जब चलती है ना, तो उसके ऊपर से नीचे से शार्क फिश जितने भी अलग अलग प्रकार की फिश है उनके ऊपर से नीचे से घूमती है। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा शो है और इस बार सोनपुर की जनता और बिहार की जनता के लिए स्पेशल रखा गया है और उन लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि कुछ कहने की हद नहीं। टोटल एसी फिश टनल शो है। इसमें सामने में जो काम चल रहा है आप देख रहे हैं, वो पहली बार यहाँ पर जो है फिश का गेट बन रहा है बड़ा, वो फिश के जो मुंह बना हुआ है उसके अंदर से पब्लिक एंटर होकर इसके अंदर जाएगा। अच्छा। तो उसका सब काम चालू है, आप देख ही रहे हैं, आप वीडियो वगैरह से देख सकते हैं, सब काम सामने चालू है इसका, पूरा ऊपर से काम चालू है, एकदम प्लेटफॉर्म एकदम मजबूत है। इसमें कम से कम 5,000 आदमी भी चढ़ जाएगा तो इसको कुछ होने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 नहीं 10,000 चढ़ा दो। अच्छा। एकदम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी एकदम रहेगा। और इन मच्छियों के लिए 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देना पड़ता है, इसलिए 24 घंटे इसका करंट का हमको बंदोबस्त रखना पड़ता है। अच्छा। 24 आवर्स, चाहे वो लोडिंग में हो, गाड़ियों में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, यहाँ रख के हो या उधर साइड में हो, सब जगह। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ये फिश मच्छियाँ सांस लेती है। ये टोटल ओरिजिनल मच्छियों का शो है। अच्छा, ओरिजिनल, टोटल ओरिजिनल मच्छियाँ हैं, जीवित मच्छियाँ जिसको बोलते हैं उसका शो है। अच्छा, वो जो दिख रहा है मतलब उसमें आदमी चलेगा तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के अंदर है? यस यस यस। अच्छा। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि ऊपर से नीचे से साइड से पूरा मच्छी घूमता है, समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप झूला एक से एक, मतलब झूला बंगलोर से आ रहा है, एक से एक झूला। हाँ। अच्छा, तो इस बार का मेला बहुत बेहतर तरीके से लगा। बहुत बेहतर तरीके, इस मेला में कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत, जैसे कि अंडर वाटर, मछली वाला जो आती है, अभी तक मेला में कभी आईवे नहीं किया था, ये केरला से ये लोग आया है दुबई से और आइटम देख ही रहे हैं, लग रहा है इसे अभी तैयार हो रहा है। तो इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ऐसा, मतलब झूला से लेकर के ये मछली वाला आइटम है, चाहे बहुत, मतलब वैष्णो माता बहुत दिन पहले लगा हुआ था जब हम लोग बच्चा थे। अच्छा अच्छा। और फिर बार वैष्णो माता, भैरवनाथ, मतलब चार धाम ऊपर 80 फीट ऊंचा में मतलब लग रहा है। 80 फीट? हाँ, 80 फीट ऊँचा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया, आपका चैनल का भी धन्यवाद है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार सोनपुर मेला में, खास के सोनपुर मेला में पहली बार आपको अंडर वाटर मछली आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके अंदर आइएगा तो ऐसा लगेगा कि आप समुद्र के अंदर है और समुद्र वाला फीलिंग ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये केरला से आया है, यहाँ के जो भी टीम मेंबर है वो केरला से आए हैं इसको लगाने के लिए।